Hello and welcome. So last time we looked at the algorithm of gradient descent, and that gradient descent, whatever the algorithm we looked into it, that we also called the batch gradient descent. Why we are calling the batch gradient descent? Because to get the update of this theta zero, अगर आपको ये theta zero new चाहिए, new updated theta zero चाहिए, then to get this one step, what you have to do is you will have to calculate this summation thing, right? और ये summation thing आप देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. ये आपका summation thing each training example को touch कर रहा है. m क्या है आपका? number of training examples. so अगर आपको ये चीज़ चाहिए theta zero new, first of all what you will calculate this thing, right? and From the last video, if you recall, what was that? It was partial derivative with respect to theta zero of our cost function, right? So, if you want to get this theta zero new, or I can say, आप फर जब स्टेप ले रहे हो, then if you want this theta zero new, then first of all you will have to calculate दिस थिंग दैट पार्शियल डेरीवेटिव, राइट? और यहाँ पर मैंने लर्निंग जो है वो छोड़ दिया है, लर्निंग कोफिशियंट. सो लर्निंग रेट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था. तो यहाँ पर आपको ये देखो, आप इफ़ यू वॉन्ट दिस थीटा जीरो न्यू, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक टू कैलकुलेट दिस थिंग, राइट? टू कैलकुलेट दिस थिंग, ये आपको अगर कैलकुलेट करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू इच ट्रेनिंग एग्जाम्पल, राइट? देन ओनली यू विल एबल टू गेट दिस थिंग, एंड आफ्टर दैट यू विल मल्टीप्लाई विद द लर्निंग लर्निंग रेट. एंड वंस यू विल गेट दिस थिंग, देन वॉट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम द थीटा ओल्ड जीरो. एंड और ये थीटा ओल्ड जीरो क्या था? इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो थीटा जीरो और थीटा वन जो है आप एज्यूम करते हो, कुछ भी रैंडमली आप ले सकते हो, जीरो लो, वन लो, कुछ भी लो, आप इनिशियल में आप एज्यूम करते हो ये चीज़, ठीक है? तो यही आपका इस केस में क्या है, थीटा ओल्ड जीरो अगर आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो तो. और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, वी आर स्टिल इन सिंगल वेरिएबल, सो वी आर लुकिंग लीनियर रिग्रेशन इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे आपके पास ओनली वन फीचर है, एंड फॉर दैट वन फीचर यू हैव द आउटपुट, एंड फॉर वन फीचर यू विल हैव टू पैरामीटर दैट विल, तो दीज आर द टू पैरामीटर्स. सो आप इसी पैरामीटर को चाहते हो, ठीक है? यही पैरामीटर आपके हाइपोथेसिस फंक्शन को फिट करेगा इनटू योर डाटा सेट, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आपको एक सिंगल अपडेट लेना है. सपोज मानो कि ये आपका इस टाइप का कुछ है कंटूर, कोई 3D ग्राफ है, आपने उसका कंटूर प्लॉट किया. कंटूर कैसे लेते हैं वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी. सपोज करो कि आप समवेयर इस पॉइंट पे हो, ठीक है? तो अगर आपको एक सिंगल स्टेप लेना है, दैट इज दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप लोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, समवेयर हियर, यहाँ पे आप पहुँचोगे. तो ये स्टेप सिर्फ ये सिंगल स्टेप है, राइट? ये आपका फर्स्ट पहला स्टेप हो गया, ठीक? ये आपका इनिशियल गैस था कि आप ये थीटा जीरो और थीटा वन के रिस्पेक्ट में आप समवेयर कहीं, या आप ले लो थीटा जीरो एंड थीटा वन, इसको कहीं पे आप यहाँ पे थे, ठीक? अब देखो आपको ये जो सिंगल स्टेप लेना है ना, तो इसके लिए आपको तो ये चीज़ कैलकुलेट करना होगा, ये चीज़, राइट? और आप देखो यहाँ पे क्या है, आपको फोर लूप लगा करके फ्रॉम वन टू एम आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा. अदर वे भी है कैलकुलेट करने का, बट इन सिंपल टर्म्स. सो आपको हर एक, आपके पास जो भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं एक्स एंड वाई, आपको एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल से आप गुजरोगे, देन यू विल गेट दिस वैल्यू. आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू देन यू विल मल्टीप्लाई विद द
लर्निंग रेट, देन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस ओल्ड, देन यू विल गेट दिस थीटा जीरो न्यू. सो ये आपको फर्स्ट स्टेप में आपको हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल आप टच कर रहे हो, ठीक. और हम अभी सिंगल वेरिएबल में हैं एंड क्रॉसपॉन्डिंग टू दैट वी हैव टू पैरामीटर्स. सो एट द सेम टाइम यू विल हैव टू अपडेट दिस थीटा वन ऑल्सो. सो यू विल अपडेट द थीटा वन ऑल्सो. सो नाओ दिस थिंग इज योर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ डेल थीटा वन जे थीटा जीरो थीटा वन. नाउ यू विल कैलकुलेट दिस. अब देखो कि अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर से आपको ट्रेनी एग्जाम्पल से, हर एक ट्रेनी एग्जाम्पल से गुजरना होगा, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, राइट. सो पहले आप एक्स वन यहाँ पे लोगे, एक्स पहला ये वाला सेट लोगे, देन यू विल पुट दिस वैल्यू एक्स वन हीयर एंड वाई वन हीयर, फिर आप प्लस करके समीशन लोगे. तो अभी मैं ये स्टेप लूँगा. अभी मैं क्या करूँगा ना, एक सिंपल सा हम लोग डाटा सेट लेंगे, तीन डाटा सेट, एंड आई विल शो यू दैट हाउ द स्टेप विल लुक लाइक, ठीक है. अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. तो प्रॉब्लम अब समझ में आ गया ना कि अब क्या हो रहा है, कि आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो थीटा वन के लिए भी. अगेन यू विल गो थ्रू द इच टू कैलकुलेट दिस थिंग, दिस थिंग यू विल गो थ्रू द इच ट्रेनिंग एग्जाम्पल, देन यू विल हैव दिस वैल्यू एंड देन आफ्टर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द थीटा ओल्ड, हियर इट विल बी ओल्ड, देन यू विल गेट द थीटा वन न्यू. अब सपोज करो कि आपके पास जो है ये ट्रेनी सेट जो आपका एम है वो बहुत बड़ा है, मतलब कि आप यू वट एवर द डाटा सेट यू हैव इज़ द बिग डाटा. बिग डाटा आई मीन टू से दैट द नंबर ऑफ रोज और द नंबर ऑफ ट्रेनी एग्जाम्पल्स आर ह्यूज, ठीक है. अब देखो आपको सिर्फ जस्ट टू टेक दिस वन स्टेप, टू टेक दिस वन स्टेप, आपको अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो मान लो कि आपके पास मिलियंस ऑफ डाटा सेट है, देन यू विल गो टू टेक दिस वन स्टेप एंड टू अपडेट दिस वन पैरामीटर यू विल टेक क्या करना पड़ेगा आपको, थाउजेंड मिलियंस ऑफ डाटा ट्रेनिंग सेट से गुजर करके ये आप कैलकुलेट करोगे, राइट. सो आप अब उसके बाद से स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होगा. स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ये सोचो कि मैंने सिर्फ अब सिंगल वेरिएबल लिया है, ठीक है. अब अगर मैं n वेरिएबल ले लूँ, मतलब कि मेरे पास n नंबर ऑफ फीचर्स हो, इस तरह से x1 हो, x2 भी है, x3 है, उसे करस्पॉन्डिंग y है, ठीक है. तो इस n नंबर ऑफ वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितने पैरामीटर्स होंगे, n प्लस वन पैरामीटर्स, राइट. क्योंकि यहाँ देखो अगर मैंने सिंगल वेरिएबल लिया था तो मेरे पास दो पैरामीटर थे, और फॉर ईच पैरामीटर आप एक स्टेप लोगे तो मिलियंस टाइम इसको एग्जीक्यूट करना होगा, टू टेक ओनली वन स्टेप अगेन फॉर दिस एंड अगेन आपको थीटा एन तक, ठीक है. तो आप अनुमान लगा सकते हो, ओवरऑल आप ये बोल सकते हो, अनुमान क्या लगाना, मतलब आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज गेटिंग स्लो फॉर द बिग डाटा, राइट. सो अभी अनुमान इसलिए लगाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन. तो आपको एक आइडिया मिल गया कि फॉर द बिग डाटा इफ़ यू हैव द ह्यूज डाटा सेट और नंबर ऑफ रोज आर ह्यूज, ऑल्सो इवन नंबर ऑफ दीज वेरिएबल्स, इफ यू हैव नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ फीचर्स और इनपुट वेरिएबल, देन यू कैन assume that how the computation will take time. आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा computation करना होगा. और वो तो छोड़ो, आपको यहाँ पे memory का भी बात आ जाएगा, क्योंकि आप ठीक है. तो इसके advantage को भी हम लोग देखेंगे, ये batch gradient descent के advantage को भी देखेंगे, disadvantage को भी देखेंगे. तो अभी आपको एक disadvantage दिख रहा होगा कि फॉर द बिग डाटा दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज गोइंग टू
बी वेरी स्लो। सो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए है ना, जनरली हम लोग टिपिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, राइट? सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इज़ द बैच ग्रेडियंट डिसेंट दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, बट स्टिल आई विल टेक द एग्जाम्पल एंड आई विल शो यू द स्टेप्स एंड प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है? उसके बाद से फिर जो भी प्रॉब्लम आया ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगा, बट फिर उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये दूसरा जो टाइप है ग्रेडियंट डिसेंट का है वो सोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? एंड थर्ड टाइप इज़ द मिनी बैच सोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सो जनरली हम लोग टिपिकली थ्री टाइप्स के ग्रेडियंट डिसेंट को देखते हैं। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट आपको आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, एंड व्हाट इज़ द डिमेरिट ऑफ दिस, डिसएडवांटेज ऑफ दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज़ दैट फॉर द बिग डाटा सेट इट इज स्लो, राइट? अच्छा, तो ये सोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, वी विल ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, राइट? सो यहाँ पे ये देख रहे हो आप ना, तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव थिंग है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये चीज़ आप देख रहे हो कि हम इसको हर एक ट्रेनिंग सेट के लिए रन कर रहे हैं, राइट? टू कैलकुलेट दिस थिंग, राइट? सो यही जो है आपके कंप्यूटेशन को बढ़ा रहा है। सो व्हाट वी विल डू दैट वी विल नॉट कैलकुलेट फॉर द होल ट्रेनिंग सेट, व्हाट वी विल डू वी विल कैलकुलेट फॉर ओनली वन, राइट? सो लेट मी राइट डाउन द हाउ दिस सूडो कोड फॉर दिस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, सो दिस इज़ हाउ द एल्गोरिज्म फॉर द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विल लुक लाइक। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एंड लेट मी कंपेयर विद द बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो अगेन लुक एट दिस, इन द बैच ग्रेडियंट डिसेंट लुक एट दिस समेशन टर्म, राइट? एंड हियर लुक एट दिस टर्म, दिस वन। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन दिस फोर लूप। सो फोर आई इज इक्वल्स टू वन। सपोज यू हैव गिवेन द डाटा सेट एक्स वाई, एंड सपोज यू टेक सम एक्स वन एंड वाई वन, एक्स टू, वाई टू। सो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आपको नोटेशन बता दिया था, सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। सो अगर आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर देन यू विल गेट टू नो। नाउ फॉर एक्स दैट इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ आवर ट्रेनिंग सेट एंड दैट वन इज द थर्ड आउटपुट, राइट? सो आप इस टर्म को देखो, हाउ ओवरऑल आपको क्या करना है, थीटा को अपडेट करना है, राइट? दिस थीटा जीरो को अपडेट करना है एंड वी हैव टेकन ओनली टू पैरामीटर, राइट? क्यों? क्योंकि हम मेरे पास एक ही फीचर्स है और एक ही इनपुट है, सो क्रॉस्पॉन्डिंग टू डैट वी विल हैव द टू पैरामीटर्स। और आप हाइपोथेटिस फंक्शन को लिखे को कैसे लिखोगे, एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग बट लेट मी राइट इट डाउन। सो व्हाट विल बी द हाइपोथेटिस फंक्शन, सो थीटा ऑफ जीरो प्लस थीटा ऑफ वन ऑफ एक्स आई, राइट? सो दिस विल बी योर हाइपोथेटिस फंक्शन। सो अब आप ये चीज़ देखो, इस चीज़ पे फोकस करो, ये थीटा जीरो जो अपडेट हो रहा है वो कैसे अपडेट हो रहा है, ध्यान दो आप। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे, ठीक है? लेट्स, और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने क्या बोला कि आप कोई भी एक रेंडमली कोई भी एक डाटा सेट में से कोई भी एक रो पिक कर लो, ठीक है? कोई भी एक टपल आपने मान लो कि आपने ये फर्स्ट ही किया, क्योंकि मैंने मान लो कि आप आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट कर रहे हैं और मान लो मेरे पास एम जो है वो सेट है डाटा ट्रेनिंग में, ठीक है? तो मे बी मैं एक एक करके सबको पिक करूंगा, रेंडमली कहने का मतलब ये भी है कि मैं एक एक करके जाऊंगा, ठीक है? सो इफ आई पिक दिस दिस डाटा सेट, सो नॉट द डाटा सेट बट दिस टपल, आप देखो कि मैं सिर्फ यहाँ पे क्या पुट करूँगा, ये वैल्यू, राइट? एंड यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस
आई विल मल्टीप्लाई विद द लर्निंग रेट एंड ये जो मेरा इनिशियल गैस था थीटा जीरो और थीटा वन का, जो इनिशियल था मेरा गैस, मान लो कुछ भी जीरो और वन कुछ भी आपने लिया था, फिर मल्टीप्लिकेशन के पास जो भी आएगा उसको मैंने इस ओल्ड थीटा जीरो से माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट दिस थीटा जीरो न्यू. एंड सेम थिंग एट द सेम टाइम वी विल डू दिस फॉर द थीटा न्यू ऑल्सो, थीटा वन ऑल्सो, राइट. तो सेम थिंग फॉर वी हैव टेकन दिस वन ओनली दिस रो, सो दिस रो के लिए, इस रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ पुट करेंगे और फिर ये पूरा मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, देन इस चीज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, देन यू विल गेट द थीटा न्यू ईयर, राइट. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना. अब आपको देखो कि आप यू आर नॉट गोइंग थ्रू द होल होल रो, राइट, कंप्लीट. आप रो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ये चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप पूरे रो का, पूरा डाटा सेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. यू आर गोइंग थ्रू वन डाटा सेट, राइट. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वन, देन यू आर गेटिंग दिस थीटा जीरो न्यू, एंड सेम वे आई कैन से थीटा वन न्यू. सो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, कहाँ पे डिफरेंस है. सो आप सोचो कि ये कंप्यूटेशन कितना से घट जाएगा. ये चीज़ आप देखो, अगर आपको एक स्टेप यहाँ पे लेना था बैच ग्रेडियंट डिसेंट में, ये स्टेप एक लेना था, तो सपोज करो आपके पास यहाँ पे 100 डाटा सेट है, ठीक है. तो एक स्टेप यानी कि एक अपडेट पाने के लिए, यानी कि थीटा जीरो पहला अपडेट पाने के लिए, थीटा जीरो का पहला अपडेट पाने के लिए यू विल कैलकुलेट दिस, राइट. एंड टू कैलकुलेट दिस आप कितने रो से जाओगे, बिकॉज यू हैव फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू वन से लेकर के एम तक है. तो टू कैलकुलेट दिस थिंग यू विल डू द 100 कंप्यूटेशन बिकॉज यू हैव द 100 रोज, राइट. सो 100 रोज करने के बाद आपको फिर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर ये आपका थीटा जीरो न्यू मिल जाएगा. बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इस सिंगल वैल्यू को आपने यहाँ सिंगल रो को आपने पिक किया, पुट किया वैल्यू एंड यू गेट दिस थीटा जीरो न्यू, राइट. सो यहाँ पे आपका कितना स्टेप यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आप ओनली यू आर डूइंग इन सिंगल स्टेप एंड यू आर अपडेटिंग दिस थीटा जीरो, सेम यू विल बी डू विद द थीटा वन ऑल्सो, राइट, एट द सेम टाइम. सो आप सोचो अब कि अगर आपको अब लोकल मिनिमा पे पहुँचना है तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन किस में ज़्यादा लगेंगे, बैच ग्रेडियंट डिसेंट में या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में. नंबर ऑफ कंप्यूटेशन मैंने पूछा है कि किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है नाउ कि इफ़ वी देन व्हाई वी आर नॉट picking this stochastic gradient descent for each data set. So अभी आपको इसका demerit भी पता चलेगा stochastic gradient descent का. Actually होता क्या है ना, जो आपका batch gradient descent है ना, वो right direction को follow करता है, मतलब कि काफ़ी प्रिसाइज रहता है, ठीक है. और ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना, उतना प्रिसाइज नहीं रहता है. इन व्हाट सेंस किस सेंस में बोल रहा हूँ, ये प्रिसाइज रहता है नहीं रहता है. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन आल्सो. सो जब आप ग्रेडियंट आपको एक्सप्लेन किया था, और पर्टिकुलरली इफ़ आई से ग्रेडियंट डिसेंट जब मैंने एक्सप्लेन किया था, देन आप व्हाट यू लुक फॉर इज द स्टेपेस्ट. अगर इफ यू आर ऑन द हील, देन व्हाट यू लुक इज फॉर द स्टेपेस्ट डायरेक्शन. सो वो कौन देता है, वो ग्रेडियंट डिसेंट देता है, ठीक है. अब ये ग्रेडियंट डिसेंट देता है, ठीक है.
अब बैच ग्रेडियंट डिसेंट और जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है, उसमें जो आपका जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है ना, उसमें जो डायरेक्शन मिलेगा स्टेपेस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ढलाव है, वो डायरेक्शन मोर एक्यूरेट रहेगा इन केस ऑफ बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं रहेगा, वो उस डायरेक्शन में रहेगा बट वो मोर एक्यूरेटली नहीं रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। सो क्या होगा ना, जैसे कि मैंने क्या बोला, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने ये बोला कि आपको बैच ग्रेडियंट डिसेंट के केस में जो डायरेक्शन मिलता है, व्हाट एवर द डायरेक्शन यू गेट इन केस ऑफ बैच ग्रेडियंट डिसेंट इज मोर एक्यूरेट देन द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सो मोर एक्यूरेट, और क्या चीज़ का डायरेक्शन मिलता है आपको, मिलता है आपको स्टेपिस्ट, जो सबसे ज़्यादा ढलाव कहाँ होगा उस चीज़ का डायरेक्शन मिलता है, और वो कौन देता है, वो ग्रेडियंट डिसेंट देता है। नाउ इन केस ऑफ बैच ग्रेडियंट डिसेंट यू गेट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट डायरेक्शन, कि कौन सा डायरेक्शन जो होगा, विच डायरेक्शन विल बी द स्टेपेस्ट, वट एवर द पॉइंट यू आर। सो सपोज, लेट सपोज यू आर ऑन द टॉप ऑफ दिस हिल, राइट, आप सपोज करो ये, अच्छा यहाँ ये आप इस पॉइंट पे हो, ठीक। तो अब इस पॉइंट पे हो, तो आप इस पॉइंट से ग्रेडियंट, बैच ग्रेडियंट मान ले कि आपने कैलकुलेट किया, बैच ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, तो इस पॉइंट से जो सबसे स्टेपेस्ट होगा ना, सबसे ज़्यादा ढलाव जहाँ होगा, जो डायरेक्शन होगा, उससे आपको बैच ग्रेडियंट, जैसे कि सपोज करो ये वाला डायरेक्शन आपको मिला, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय द बैच ग्रेडियंट डिसेंट। एंड इसके केस में क्या होगा, जो आपको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है उसके केस में क्या होगा, उसके केस में भी आपको ढलान की तरफ ही मिलेगा स्टेपिस्ट, बट दैट विल बी नॉट द स्टेपिस्ट, ठीक है, सम उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेट वो नहीं होगा, ठीक है। और वो क्यों नहीं होगा वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो मे बी यू विल, इन केस ऑफ द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मे बी यू विल गेट मे बी इन दिस डायरेक्शन। सो जो आपको ये ग्रेडियंट मिलता है ना, वो अप्रॉक्स मिलता है इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें जो ग्रेडियंट मिलता है, मतलब कि डायरेक्शन जो मिलता है स्टेपिस्ट का, वो मोर एक्यूरेट रहता है देन द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। आई होप इट मेक सेंस, एंड लेट्स लुक व्हाई वी आर गेटिंग द अप्रॉक्स इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा, बिफोर एक्सपेंडिंग दिस, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। व्हाट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, मैंने ये पूछा था कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस किस में ज़्यादा होंगे, बैच ग्रेडियंट डिसेंट या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, अगर आप ध्यान से उस चीज़ पे गौर किए होंगे देन यू विल ईजली आंसर इट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड व्हाट आई एम कॉलिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स इज दिस। आप यहाँ पे थीटा जीरो समवेयर थे, कहीं पे थीटा जीरो और थीटा वन यहाँ पे थे, देन यू अपडेटेड एंड यू गॉट दिस, यू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड यू गॉट दिस थीटा जीरो न्यू एंड थीटा वन न्यू फॉर द ग्रेडियंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग फॉर द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, बट इन डिफरेंट वे, राइट, बट विद द डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। सो वट आई एम आस्किंग दैट दीज स्टेप्स, सो ये स्टेप जो लगेगा टू गेट द मिनिमा लोकल मिन, ये वाला स्टेप सपोज आप, सो ये जो स्टेप है ये आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, और ये वाला जो स्टेप है आपका, ये आप मान लो कि आपका सम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का है, ठीक है। तो माई क्वेश्चन इज इन विच
नंबर ऑफ स्टेप विल बी मोर इन विच एल्गोरिदम, लाइक इन विच ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट और आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज़्यादा होंगे, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ये जो आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना, उसमें जो ग्रेडियंट आता है वो अप्रॉक्स क्यों होता है, वो उतना एक्यूरेट क्यों नहीं होता है. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम दैट वी हैव गिवन दिस काइंड ऑफ डाटा सेट, सम इनपुट एक्स आउटपुट वाई एंड वी आर वर्किंग विथ सिंगल वेरिएबल, राइट. सो सपोज करो कि आपको कोई पहला इनपुट और उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये आउटपुट है, ये दूसरा इनपुट है उसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरा आउटपुट है, और ये तीसरा इनपुट है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये तीसरा आउटपुट है. और मान लो कि आपने डाटा सेट को ड्रॉ किया, प्लॉट किया, ठीक है, तो आपका डाटा सेट विद द थ्री पॉइंट समहाउ कुछ ऐसा है, ठीक है. सो दिस इज एक्स वन, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई वन, दिस इज एक्स टू, ये थोड़ा और ऊपर लेना चाहिए था मुझे, ठीक है, ये आपका वाई टू यहाँ पे, फिर ये एक्स थ्री, दिस इज वाई थ्री, एंड ये आपका आउटपुट, ये इनपुट एक्सिस, ठीक है. नाउ सपोज करो कि ये आपके पास गिवन डाटा सेट है. नाउ व्हाट वी विल लुक एट द स्टेप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टेप्स ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था ना कि जो आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वो जो है स्टेपिस्ट डायरेक्शन जो है जो वो अप्रॉक्स देता है, मतलब कि मोर एक्यूरेट नहीं रहता है अगर हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट से कंपैरिजन करें, तो वो ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट हम लोग एक सिंगल इटरेशन देखते हैं. ठीक है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक पहला सिंगल इटरेशन देखते हैं, लेट हाउ दिस थीटा जीरो एंड थीटा वन इज गेटिंग कैलकुलेटेड. सो लेट्स टेक दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट, राइट. सो अगर आप और आल्सो वी आर टेकिंग दिस डाटा सेट विथ थ्री पॉइंट ओनली, ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्लोप दिस वन, राइट. सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ बैच ग्रेडियंट डिसेंट में. तो आप देखो फॉर हर एक ट्रेनिंग सेट के लिए आप कैलकुलेट करोगे, राइट, वट एवर द ट्रेनिंग सेट यू हैव. सो जब आप उस समीशन को एक्सपेंड करके लिखोगे, कौन सा, ये जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव वाला समीशन था ऊपर में, उसको आपने एक्सपेंड करके लिखा, सो आप क्या करोगे, सो यू विल टेक दिस फर्स्ट, ऑल्सो फॉर दिस यू विल कैलकुलेट, ऑल्सो फॉर दिस यू विल कैलकुलेट, देन यू विल एड अप, देन जो भी आपको मिलेगा, वट एवर द थिंग यू विल गेट by computing this, then you will multiply this thing with the alpha and you will subtract it from your old theta zero, right. तो आप ये चीज़ देखो, ये जो computation हो रहा है इस gradient को calculate करने में, ये gradient का एक component है, उसको calculate करने में आपको number of computations देखो, और जो है आपको, ठीक है, और मोर एक्यूरेटली जो है इस कम ये ग्रेडियंट का जो कॉम्पोनेंट है उसको हम ये अब देखो, अब आप इसमें देखो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जस्ट वी आर पिकिंग दिस सिंगल वन, राइट, इसको हम लोग पिक कर रहे हैं एंड स्लोप फाइंड किए. स्लोप फाइंड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर हम लोग सिंगल एक रो को पिक किए थे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट थीटा जीरो को अपडेट कर देंगे. थीटा जीरो को हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, तो थीटा जीरो न्यू इज इक्वल टू थीटा जीरो ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल अपॉन डेल थीटा जीरो. सो ये चीज़ देखो, तो सो आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में देखो क्या मिसिंग क्या हो रहा है. स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में ये सारे टर्म्स नहीं आ रहे हैं, आप जो इस कॉम्पोनेंट
कैलकुलेट कर रहे हो थीटा जीरो के डायरेक्शन में, ये सारे टर्म स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में नहीं आ रहे, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में जो हमें ग्रेडियंट का डायरेक्शन मिलेगा, जो स्टेपेस्ट डायरेक्शन मिलेगा, दैट विल बी नॉट एक्यूरेट एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट बिकॉज दीज टर्म्स आर मिसिंग. सो वी आर गेटिंग अप्रॉक्स ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है. सो हमारा जो एग्जाम्पल था ये वाला कि हम लोग जो स्टेपेस्ट जो एक्यूरेट जो स्टेपेस्ट डायरेक्शन मिलेगा वो किस केस में मिलेगा, तो बैच ग्रेडियंट के डायरेक्शन में मिलेगा, ना कि हमें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट के डायरेक्शन में मिलेगा. उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे हम लोग क्योंकि हमें अप्रॉक्स तो मिल रहा है ना, राइट. सो वी आर गेटिंग द अप्रॉक्स डायरेक्शन बट नॉट द एग्जैक्ट डायरेक्शन. तो मेरा क्वेश्चन ये भी था ना कि नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज़्यादा लगेंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा आपको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में लगेंगे टू गेट डाउन द हिल. क्यों नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि देखो मैंने जो आपको ग्रेडियंट एक्सप्लेन किया था उसमें क्या एक्सप्लेन किया था, ग्रेडियंट का डायरेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ढलान हो, दैट इज़ द ग्रेडियंट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, राइट. तो उस ढलान में ये जो हाइट है h वो ज़्यादा डिक्रीमेंट कर जाएगा. बट स्टोकेस्टिक के केस में क्या हो रहा है कि आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, उसके इर्द गिर्द डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि एग्जैक्ट वो स्टेपेस्ट वाले डायरेक्शन में नहीं जा रहे, एग्जैक्ट वो जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ढलान है उस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हो, उसके इर्द गिर्द डायरेक्शन में जा रहे हो. सो आप ज़्यादा भटकोगे टू गेट डाउन द हिल इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है. और आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप पहला ही स्टेप लोगे बट इट विल बी मोर एक्यूरेट स्टेप टू रिच डाउन द हिल. वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आपका जो डायरेक्शन होगा, पहला स्टेप का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा डायरेक्शन होगा जो कि हील के हाइट को है ना ज़्यादा से डिक्रीमेंट कर देगा. बट इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप अप्रॉक्स डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे ढलान अप्रॉक्स मतलब उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको ढलान अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा स्टेपेस्ट होगा, वो मतलब एग्जैक्ट आप उसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, उसके इर्द गिर्द रह रहे हो. ठीक है. तो आपको अल्टीमेटली हाइट जो ड्रॉप करेगा पहाड़ का फर्स्ट स्टेप में वो उतना नहीं ड्रॉप करेगा जितना आपको बैच ग्रेडियंट के केस में ड्रॉप करेगा. बट मेरिट डिमेरिट क्या है आपको ये भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो है वो बैच ग्रेडियंट के डिसेंट में ज़्यादा होंगे क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर इच ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और इस केस में कम होंगे नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के केस में. और नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज़्यादा होंगे, तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के केस में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे क्योंकि आप जो है एक्यूरेटली उस ढलान जो सबसे ज़्यादा ढलान था उसमें नहीं जा रहे हो, उसके इर्द गिर्द रह रहे हो. और सो हर स्टेप में आपका जो जितना ड्रॉप होना चाहिए पहाड़ का हाइट उतना ड्रॉप नहीं होगा जितना कि बैच ग्रेडियंट के डिसेंट के केस में हो रहा है. ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज़्यादा लगेंगे, तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के में लगेंगे. और नंबर ऑफ स्टेप्स कम किस में लगेंगे, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट के केस में लगेंगे. आई होप इट मेक्स सेंस. सो ऑल्सो सो ओके सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट. क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि यही कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे ज़्यादा लग रहे हैं, यही एक्सप्लेन किया मैंने. ठीक है. नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, दैट इज़ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, राइट. ओके. अच्छा एक चीज़ इससे पहले और भी, ये तीनों जो आपके टाइप्स है ग्रेडियंट डिसेंट के, कैसे पता चलेगा कि मुझे किस डाटा सेट में कौन सा ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना, तो ये आपके डाटा सेट पे डिपेंड करता है, राइट. ऑल्सो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ ट्रेनी एग्जांपल्स कितने हैं उस पे डिपेंड करता है. तो अगर बहुत सारे ट्रेनी एग्जांपल्स है देन और क्रॉसपॉन्डिंग टू दैट बहुत सारे वेरिएबल्स हैं आपके डाटा सेट में, देन
इट इज़ सजेस्टेड दैट टू गो यू कैन यूज अ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. सो ऑल्सो फॉर द बिग डाटा यू कैन ऑल्सो यूज द बैच ग्रेडियंट डिसेंट बट इट विल बी स्लो. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. सो ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है ना वो बीच का है, मतलब कि बैच और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बीच का है. बस एक चीज़ इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल एक पिक कर रहे थे ना, ये पिक कर रहे थे. मिनी बैच में क्या करते हैं ना हम लोग छोटा सा बैच बना लेते हैं डाटा सेट का. सो लेट सपोज टू अपडेट योर पैरामीटर थीटा जीरो और थीटा वन, व्हाट वी डू वी सेलेक्ट सेट ऑफ डाटा सेट. सपोज आपके पास ये तीन है ना, तो आप क्या करोगे ये दोनों डाटा सेट को सेलेक्ट कर लोगे टू कैलकुलेट दिस थीटा जीरो एंड थीटा वन. ठीक है, न्यू थीटा जीरो एंड न्यू थीटा वन. तो सिर्फ चेंज क्या होगा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में, सो इसमें सिंपली मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि डाटा का फ्यू, मतलब कि एक ना सेलेक्ट करके हम लोग एक ट्रेनिंग डाटा ना सेलेक्ट करके, जैसे कि इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट व्हाट वी डू इज वी सेलेक्ट द वन टू. अगर मुझे थीटा जीरो थीटा वन न्यू चाहिए दैट पैरामीटर, इफ वी वांट टू हैव दिस न्यू पैरामीटर देन वी ओनली सेलेक्ट द वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल, राइट. इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के केस में, इसमें हम एक नहीं, इसमें हम कुछ सेट ऑफ डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, सेट ऑफ रोज सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द गिवन डाटा एग्जाम्पल. सो मे बी वी कैन सेलेक्ट दीज टू रो, राइट. सो यहाँ पे दो रो सेलेक्ट करके, सो ये जो कैलकुलेशन होगा ना, कौन सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, ये वाला, आप इसको मे बी आई कर दो और कुछ भी ले सकते हो, ये आई कर दो और ये जो समेशन जाएगा ना, ये आपका जितना नंबर ऑफ डाटा आपने सेलेक्ट किया है. सपोज आपने दो डाटा सेलेक्ट कर दिया है तो ये आई इज इक्वल टू वन से ये टू तक जाएगा. ठीक है, तो अब ये चीज़ देखो आप, और सेम वे आप थीटा वन के लिए भी करोगे. ठीक है, ये आई कर लो इसको यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका, ये समेशन कहाँ से जाएगा, जितना नंबर ऑफ डाटा आपने सेलेक्ट किया है. ठीक है, टू कैलकुलेट दिस स्लोप, टू कैलकुलेट दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट, राइट. सो ये आपका जाएगा आई इज इक्वल्स टू वन से लेकर के टू तक. ठीक, अब देखो कि ये जो टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गए, मतलब कि आपका जो कंपोनेंट कैलकुलेट हो रहा है ग्रेडियंट का वो मोर एक्यूरेट है देन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का, बट लेस एक्यूरेट है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारा चीज सारा ट्रेनिंग डाटा की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बट हेयर वी आर टेकिंग फ्यू ऑफ देम फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा सेट, राइट. सो जब आप अपडेट करोगे, अपडेट करने के ये आप कैलकुलेट करोगे फॉर द टू, इन दिस केस फॉर द टू ट्रेनिंग डाटा सेट, देन यू विल मल्टीप्लाई विद द लर्निंग रेट एंड यू विल गेट द थीटा न्यू, सेम वे विद द थीटा वन. आई होप सो इट इज़ मेकिंग सेंस दैट ये मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो जो डायरेक्शन देगा वो मोर एक्यूरेट होगा देन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, बट लेस एक्यूरेट देन बैच ग्रेडियंट डिसेंट. सो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में रहेगा, तो टू गेट डाउन इन द हिल डाउन, मतलब आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट तो 100% आपको डाउन द हिल पहुँचा ही देगा. ठीक है, मिनिमा लोकल मिनिमा आपको वहाँ पे पहुँचा देगा. ठीक, लेकिन ये जो आपका ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो ये देखो कि आप ये एग्जैक्ट कंप्लीट ढलान के डायरेक्शन को नहीं पकड़ता है, क्योंकि ये जो आपका ग्रेडियंट का कंपोनेंट जो कैलकुलेट कर रहे हो आप, वो अप्रॉक्स कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो वो मिनिमम के इर्द गिर्द ही रहेगा. ठीक है, मिनिमम पे पहुंच के भी वो वहाँ पे इर्द गिर्द रहेगा, एग्जैक्ट मिनिमम पे नहीं रहेगा. ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाएगा, उसके बाद से फिर जब थीटा जीरो आप अपडेट करोगे, थीटा वन अपडेट करोगे, तो वो उसके अराउंड ही ऑसिलेट करते रहेगा. ठीक है, आपका जो मिनिमम लोकेशन है उसके अराउंड ही. ठीक है,
और उसको मोर एक्यूरेट अगर मुझे करना है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को, तो देन वी कैन यूज दिस मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो ये जो आपका मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है ना, एक तरह से देखे तो मोर एक्यूरेट है देन द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज़्यादा लगेंगे इन दोनों में, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में? नंबर ऑफ स्टेप्स आपको स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो, जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हो, कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, देन यू आर यूजिंग वन ट्रेनी सेट एग्जाम्पल, राइट? एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टू ट्रेनी सेट एग्जाम्पल। तो मोर एक्यूरेट ये है डायरेक्शन और ये लेस एक्यूरेट है। तो जितना लेस एक्यूरेट रहेगा उतना आप भटकोगे टू गेट डाउन द हिल, और जितना एक्यूरेट रहेगा उतना आप जल्दी डाउन द हिल पहुँचोगे, मिनिमा को अप्रोच करोगे, ठीक है? तो आई थिंक इट मेक नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस दैट व्हाट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट, व्हाट इज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड व्हाट इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और ये डिपेंड करता है आपके डाटा सेट पे, आपका डाटा सेट किस तरह का है। अब जैसे कि ये आपका जो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो अगर आपके डाटा में बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है ना, मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ डाटा है, देन वी यूजली प्रेफर दिस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? और अगर आपके पास बिग डाटा है, देन अगर आपको फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए, देन वी कैन प्रेफर दिस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? और अगर आपको इन बिटवीन चाहिए परफॉर्मेंस, देन यू कैन सेलेक्ट दिस मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो नाउ ये जो फिगर आपका है कंटूर पे, जो 3D में आपका नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहेंगे, उसको हम लोग कंटूर में अब दिखा रहे हैं, कंटूर डायग्राम में। सो नाउ दिस शुड मेक सेंस टू यू, ओके? सो इफ यू लुक एट दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट दैट इज इन ब्लैक कलर, सो लुक एट दिस दैट नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर लेस एंड इट इज मोर एक्यूरेट, राइट? मोर एक्यूरेट किस सेंस में? तो मोर एक्यूरेट इन द सेंस रीचिंग द डाउन ऑफ द हिल और रीचिंग द लोकल मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, राइट? सो इट बट इट विल बी स्लोएस्ट। क्यों स्लोएस्ट होगा? तो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा कंप्यूटेशन होगा, ठीक है? और इट इज़ परफेक्ट ग्रेडियंट, सो इट विल लुक इन टू द डायरेक्शन ऑफ द परफेक्ट ग्रेडियंट, ठीक है? नाउ लुक एट दिस द ब्लू कलर, दिस वन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सी कितना ये भटक रहा है, ठीक है? क्योंकि इसको जो है ना, जो डायरेक्शन मिलना चाहिए वो अप्रॉक्स डायरेक्शन मिल रहा है इसको, इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट को। तो ये बेचारा भटक भटक के इधर उधर से घूम घाम के ये मिनिमम पे पहुंचेगा भी ना, तो वहाँ पे भी वो भटकेगा, ठीक है? मिनिमम को अप्रोच ये शायद ही कर पाए, ठीक है? मतलब आसपास रहेगा तो वो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि हाँ चलो भाई मिनिमम पे तुम पहुँच गए हो, अब मुझे जो θ0 θ1 आप अपडेट कर रहे हो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, तब आप समझोगे कि हाँ हम मिनिमम पे पहुँच गए हैं, ठीक है? तो ये मिनिमम के अराउंड भी ये भटकेगा, ठीक है? भटकेगा इन द सेंस कि उसके आसपास ही रहेगा, तो बट ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट इन द सेंस कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस जो है इसमें रिलेटिवली बैच ग्रेडियंट से बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, ठीक है? और ये रफ एस्टिमेट ग्रेडियंट। और मिनी बैच ग्रेडियंट क्या है? तो वो इन दोनों के बीच है, सो ये थोड़ा सा इसको अच्छा डायरेक्शन मिल गया है ग्रेडियंट का, किसको? मिनी बैच को, देन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये थोड़ा सही डायरेक्शन फॉलो करेगा और इन दोनों से, मतलब जो आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट है उससे तो ज़्यादा स्टेप लेगा, बट जो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है उससे कम स्टेप लेगा। सो आई होप दिस फिगर नाउ इट शुड मेक सेंस टू यू। नाउ यू कैन लुक एट द डिफरेंस इन वर्ड्स वॉट एवर वी हैव डिस्क्राइब्ड सो फार। सो इट इज़ फ्रॉम द गिग्स फॉर गिग्स, सो यू कैन लुक एट दिस द एडवांटेज ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इज़ फास्टर दैन अदर वेरियंट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट सच एज बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सिंस इट यूजेज ओनली वन एग्जाम्पल टू अपडेट द पैरामीटर। मेमोरी इफिशियंसी, सिंस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट्स द पैरामीटर फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल एट ए टाइम, इट इज मेमोरी इफिशियंट एंड कैन हैंडल लार्ज डाटा सेट्स दैट कैन नॉट फिट द इन टू मेमोरी, राइट?
सो एवॉयडेंस ऑफ लोकल मिनिमा ड्यू टू द नॉइजी अपडेट इन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इट हैज़ एबिलिटी टू स्केप फ्रॉम लोकल मिनिमा एंड कन्वर्ज टू ग्लोबल मिनिमा. दिस इज़ गुड पॉइंट. सो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि सो इट हैज़ द एबिलिटी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लोकल ग्लोबल मिनिमा आपको ढूंढ करके दे ही देगा. ठीक है, इट इज़ नॉट गारंटेड दैट द एवॉयडेंस ऑफ लोकल मिनिमा. सपोज, क्योंकि इसका पाथ देखो आप, पाथ कैसा था आपने जब देखा, जब इसका पाथ देखो आप, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का पाथ कितना भटका हुआ पाथ है, नॉइजी पाथ है, उसी को भटका हुआ पाथ को ही नॉइजी पाथ बोल रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि आप, अगर आपके पास किसी, आपका जो 3D फंक्शन है कुछ इस टाइप का है, ऐसा कुछ समहाव इस टाइप का है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो है ये आपका ग्लोबल मिनिमा है, राइट. सो ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू दिस जो नॉइजी पाथ है, इसके कारण जो भटका हुआ पाथ है, ये क्या करे, इसको मिस कर दे, इस ग्लो लोकल मिनिमा को मिस कर दे, और ये भटकते भटकते जो है ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच पाए. सो वही लिखा हुआ कि ड्यू टू द नॉइजी अपडेट इन द स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्केप फ्रॉम द लोकल मिनिमा एंड कन्वर्ज टू ग्लोबल मिनिमा. अब डिसएडवांटेज क्या क्या है इसका, नॉइजी अपडेट, द अपडेट्स इन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आर नॉइजी एंड हैव हाई वेरियंस विच कैन मेक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस लेस स्टेबल एंड लीड टू ऑसिलेशन अराउंड द मिनिमम. ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर, स्लो कन्वर्जेंस. स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में रिक्वायर मोर इटरेशन टू कन्वर्ज टू मिनिमम सिंस इट हैज़, इट अपडेट्स द पैरामीटर फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल वन एट ए टाइम. सो मे रिक्वायर्स मोर इटरेशन, मोर इटरेशन इसलिए क्योंकि स्लो कन्वर्ज हो रहा है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लग रहे हैं, वो हम लोगों ने देखा था. और ये सही पॉइंट है, सेंसिटिविटी टू लर्निंग रेट, ये सेंसिटिव होता है जो आपका SDG जो है वो. द चॉइस ऑफ लर्निंग रेट कैन बी क्रिटिकल इन SGD सिंस यूजिंग ए हाई लर्निंग रेट कैन काउज एल्गोरिदम टू ओवरशूट द मिनिमा. हो सकता है, पॉसिबल है, वाइल ए लो लर्निंग रेट कैन मेक द एल्गोरिदम कन्वर्ज स्लो स्लोली सेम एज द ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, लेस एक्यूरेट ड्यू टू द नॉइजी अपडेट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मे नॉट कन्वर्ज टू एग्जैक्ट ग्लोबल मिनिमा एंड कैन रिजल्ट इन सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब कि आपको एग्जैक्ट जो मिलना चाहिए θ0 θ1, वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उसके अराउंड जो है मिल जाएगा. दिस कैन मिटिगेट बाई यूजिंग टेक्निक सच एज लर्निंग रेट शेड्यूलिंग एंड मोमेंटम बेस्ड अपडेट. सो आई थिंक दैट वॉज इट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट्स. सो वी लुक इन टू बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड मिनी ग्रेडियंट डिसेंट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू एंड यू कैन गो थ्रू. ओके सो ओके लेट्स लुक द सिलेबस वर्ड. ओके सिलेबस क्या है हम लोगों का ना, ये मशीन लर्निंग. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार थोड़ा, ये अभी हम लोग कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन. सो अभी लीनियर रिग्रेशन में ये चीज़, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक छोटा सा है वो चीज़ बताएंगे आपको, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी है. देन वी विल लुक इनटू द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड वहाँ पे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे. दैट मीन्स कि यू विल हैव द मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग टू दैट यू विल हैव द मोर पैरामीटर्स. और देखेंगे टू वे, दो वे से देखेंगे, दो वे. हाँ, एक तो आपका ग्रेडियंट डिसेंट से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और एक आपका नॉर्मल फॉर्म भी होता है. ठीक है, तो उससे हमें कैसे θ0 θ1 जो है एन नंबर ऑफ थीटा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग ओके उसके बाद से मैं बात बता दूंगा उसके बाद से फिर. बट वही आपको एक बार सिलेबस दिखाना था ताकि वी आर इन लाइन विद द सिलेबस. ओके ओके दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, वी विल मीट सून. थैंक यू, बाय.